नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। बहुत अल्प समय में और जो पिछले 2-3 वीडियो से मैं कर रहा हूँ कि जाप के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति, उसी क्रम में आज बगलामुखी भगवती का वशीकरण मंत्र विधान आप लोगों को बताऊंगा। बगलामुखी जिनका व्याख्यान मैंने दिया था तो मैंने बताया था कि इनका नाम बगलामुखी है, लोगों ने इसको अपभ्रंश कर दिया आने वाले समय में और बगलामुखी कर दिया। अब मूर्ति भी ऐसा बनाते हैं जिसका मुख बगुला से मिलता हो। तो ये है माँ बगलामुखी। इनकी साधना सामान्यतः लोग मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण के लिए करते हैं, अपने शत्रुओं का मर्दन या विच्छेदन, ये क्रियाएं बगलामुखी साधना से ज़्यादा की जाती हैं। लेकिन बगलामुखी भगवती का वशीकरण बहुत उपयोगी है, उसमें भी जो विश्व वशीकरण कहते हैं, मतलब इस मंत्र के जाप मात्र से आपसे विश्व सम्मोहित रहता है। बगलामुखी माता का रूप स्वर्ण वर्ण का है और स्वर्ण कलयुग में बहुत सम्मोहन देता है। उसी तरीके का सम्मोहन अगर आप इस मंत्र के जाप को करते हैं तो आपको प्राप्त होता है। सिर्फ ध्यान और जाप मात्र से बिना किसी पूजा के आपको सम्मोहन की शक्ति प्राप्त होती है इस मंत्र से। कैसे करेंगे इसका ध्यान? ध्यान हृदय में करेंगे। माँ भगवती देवी गौरी पीले वस्त्र में पूरे शरीर पर पीला चंदन लेप कर रत्न सिंहासन पर बैठी हुई हैं। माँ भगवती रत्न अलंकार से विभूषित हैं और त्रिनेत्र धारण कर रखा है, ठीक है। ऐसा माँ का हृदय में ध्यान करेंगे। जाप माला जो इसमें रहेगा वो चाहे तो हल्दी का हो सकता है, अगर हल्दी ना मिले बहुत बुरी स्थिति हो तो फिर पीला हकीक का माला चलता है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए 8 माला रोज किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे और 21 दिन तक इसका 8 माला रोज करेंगे। उसके बाद प्रतिदिन सिर्फ 1 माला करने से इस मंत्र का फल आपको मिलता है। ऐसे तो इस मंत्र में कोई बहुत संविधान नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माँ बगलामुखी का जब आप जाप करते हैं तो आपको पीला वस्त्र पहनना चाहिए, पीला आसन रखना चाहिए, ठीक है। साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे भी जिनको अपना सम्मोहन शक्ति बढ़ाना होता है उनको कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वशीकरण के लिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा करने से ये होता है कि रूट चक्र आपके कंट्रोल में आता है और रूट चक्र बहुत महत्वपूर्ण है सम्मोहन शक्ति के वृद्धि के लिए। और जब उस रूट चक्र के एनर्जी को आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और साथ में जब इस मंत्र का जाप करते हैं, मंत्रों से क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है आपके आसपास की, जो आपके आसपास एनर्जी फील्ड है वो चार्ज अप होता है। इस मंत्र से वही एनर्जी फील्ड जब चार्ज अप होता है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और जो भी आपको देखेगा वो आपसे मोहित रहेगा। मंत्र क्या है 3 बार बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते पीताम्बरे ह्रीं ह्रीं सुमुखी बगले विश्वात्मने वंशम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम नमो भगवते पीताम्बरे ह्रीं ह्रीं सुमुखी बगले विश्वात्मने वंशम कुरु कुरु स्वाहा। अंतिम बार बोलूँगा, बीज को ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते पीताम्बरे ह्रीं ह्रीं सुमुखी बगले विश्व आत्मने वंशम कुरु कुरु स्वाहा। किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू कीजिएगा और 21 दिन तक इसको आप करिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब इस साधना को शुरू करें तो वो अमावस्या की रात नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी रात्रि से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं।
इसका कोई पूर्ण आहुति आपको नहीं करना है, कोई मार्जन नहीं करना है, कोई भोज नहीं करना है, सिर्फ जिस दिन आपने साधना समाप्त किया उसके बाद से रोज़ इसका एक माला का जाप करेंगे। सक्षम नहीं होने पे 54 माला का 27 की गिनती भी मानी जाती है, 54 की गिनती भी मानी जाती है, लेकिन कोशिश करना है कि 108 का जाप आप लोग पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखना है जैसे आसन बंधन, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। ये ग्रुप इस महीने 5 तारीख से शुरू होगा। जिनको डायरेक्ट बात करना है, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरे वेबसाइट पे जाइए www.aghortantrahasya.xyz। आज के लिए इतना ही। माँ बगलामुखी आप लोगों को बहुत सारा वशीकरण और सम्मोहन शक्ति दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।